हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ़ यू इन दी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ टेक्निकल एकेडमी गया। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कंबशन इन एसआई इंजन, जो कंबशन का प्रोसेस होता है स्पार्क इग्निशन इंजन में। तो हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं कि जो फ्यूल मेरा जलता है तो किस प्रोसेस से जलता है। मतलब हम लोग यहाँ पर एक डायग्राम देखने वाले हैं जिसको हम लोग बोलते हैं पी थीटा डायग्राम, मतलब प्रेशर और क्रैंक का जो एंगल होता है। जैसे हमें पता है कि जो फोर स्ट्रोक इंजन होते हैं वहाँ पर जो आपके चार स्ट्रोक होते थे, कौन कौन से, सक्शन, कंप्रेशन, पावर स्ट्रोक और एग्जॉस्ट स्ट्रोक, ठीक है। तो ये टोटल 760 डिग्री मतलब टू रोटेशन ऑफ क्रैंक में होता था। तो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं प्रेशर और थीटा, मतलब जो प्रेशर रहता है किस इंजन के अंदर और जो क्रैंक का जो एंगल रहेगा उसके बीच क्या रिलेशन बनेगा, वो देखने वाले हैं इस वीडियो में। और समझेंगे कि जो कंबशन होता है किसी भी इंजन में वो किस तरीके से होता है फ्यूल का, मतलब कि जो फ्यूल मेरा जलेगा। जैसे आप लोगों ने अभी जो ऑटो साइकिल पढ़ा था कि जो एक आइडियल ऑटो साइकिल होता है, सिंपल सा आपने क्या किया था, और दो आइसेंट्रोपिक और दो कांस्टेंट वॉल्यूम का प्रोसेस का ड्रॉ किया था। लेकिन जो रियल साइकिल होती है ना, जो प्रैक्टिकली जो वर्क करती है, प्रैक्टिकल तो ऑटो साइकिल जो होता है पेट्रोल इंजन में यूज़ करता है, लेकिन ये जो साइकिल आप बनाए हो थियोरिटिकल बनाए हो, ठीक है। यहाँ पे आप क्या शो कर रहे हैं कि कॉन्स्टेंट वॉल्यूम में आपका सारा हीट ऐड हो जा रहा है, ठीक है। लेकिन हम लोग अब इसमें ये समझने वाले हैं कि रियली जो कंबशन होता है इंजन के अंदर में वो किस तरीके से होता है। चलिए समझते हैं। अब देखिए, आप ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इंजन, ठीक है। तो सबसे पहले इंजन में हमारा जो सक्शन का प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है, फ्यूल जो होता है इंजन के अंदर आता है। तो फ्यूल मैंने आपको बताया कि अगर पेट्रोल इंजन है, ठीक है, या डीजल इंजन हो, तो फ्यूल मेरा क्या रहेगा, हाइड्रोकार्बन, मतलब हाइड्रोजन और कार्बन के उसमें कंपोनेंट रहेंगे आपका, ठीक है। तो ये मेरा फ्यूल रहेगा। जैसे आपका मीथेन, मीथेन क्या हो गया, एक हाइड्रोकार्बन का फ्यूल हो गया। उसी तरह पेट्रोल और इंजन भी क्या होता है, हाइड्रोकार्बन के फ्यूल्स होते हैं। तो इसमें आपका क्या होगा, जैसे ही सक्शन का जो प्रोसेस होगा उसमें आपका फ्यूल एंटर कर गया किसके अंदर, इंजन के अंदर। तो जब फ्यूल एंटर करता है इंजन के अंदर, तो मान लो आपका जो पिस्टन है अब यहाँ पे है टॉप डेड सेंटर में, ठीक है। तो बाहर से फ्यूल मेरा अंदर कब आएगा, जब बाहर का प्रेशर, अभी जो फ्यूल है उसका कितना एटमोस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है, 180 है। तो ये इंजन के अंदर तब आएगा ना जब प्रेशर इंजन के अंदर में 180 से कम रहेगा, मतलब अब पिस्टन जो सक्शन में है TDC से BDC की ओर जाएगा, ठीक है। तो ये देखो अब बीच में पिस्टन का कुछ यहाँ पे मूवमेंट यहाँ पे शो कर रहा होगा। तो अब जैसे कि सपोज़ करो मेरा इंजन के अंदर फ्यूल आ गया, आपका क्या आ गया, फ्यूल आ गया है। अब जैसे इंजन के अंदर फ्यूल आ गया है, तो मैंने बताया कि जो फ्यूल होता है, तो जब पेट्रोल इंजन में जो होता है फ्यूल के साथ साथ एयर भी आता है, मतलब फ्यूल प्लस एयर का मिक्सचर आता है इंजन के अंदर में, इन केस ऑफ ऐसा इंजन। अब देखो ये जो ब्लैक डॉट यहाँ पे हमको दिख रहा है, ये क्या शो कर रहा होगा, हाइड्रोकार्बन, ठीक है, ये मतलब ये फ्यूल अभी जला नहीं है। और बाहर में जो दिख रहा है ये आपको क्या दिख रहा है, एयर दिख रहा है, मतलब एयर के अंदर क्या आपका है, जो आपके फ्यूल का पार्टिकल्स है, क्योंकि जो फ्यूल का पार्टिकल होगा उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी तो वो अंदर में रहेगा, एयर मेरा लाइट रहेगा, तो ये उस फ्यूल के पार्टिकल के चारों तरफ में रहेगा, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, अब यहाँ पर जो फ्यूल का टेम्परेचर सक्शन के टाइम में क्या टी एटमोस्फेरिक है, जो एटमोसफेयर का टेम्परेचर वही टेम्परेचर है। अब आप 1 से 2 जा रहे हो, मतलब क्या कर रहे हो, कंप्रेस कर रहे हो। अब जब कंप्रेशन का प्रोसेस होगा आपका, ठीक है, तो फ्यूल भैया उसकी टेम्परेचर और प्रेशर क्या होगी, अरे बढ़ेगी, ठीक है। तो जब फ्यूल का टेम्परेचर प्रेशर बढ़ेगा, तो ये अभी जो ब्लैक कलर का आपका पार्टिकल शो कर रहा था फ्यूल का, अब ये किसमें शो करेगा, रेड कलर का, रेड कलर का क्या शो कर रहा है कि भैया फ्यूल का जो टेम्परेचर है पार्टिकल्स का वो बढ़ गया है। तो वो क्या होता है, कंप्रेशन करने का टाइम पहुँच जाता है फ्लैश टेम्परेचर, मतलब ये वो टेम्परेचर होता है कि अब जो मेरा फ्यूल है ना वो रेडी हो गया किसके लिए, जलने के लिए। तो भैया जलेगा कब, टेम्परेचर तो बढ़ गया उसका, लेकिन ये जलेगा तब ना जब इंजन के अंदर क्या होगा, स्पार्किंग होगा। फिर यहाँ पर आपने करवा दिया क्या, स्पार्किंग। अब जब यहाँ पर आप स्पार्किंग करोगे भैया, तो फ्यूल जलेगा, और फ्यूल जलेगा तो वहाँ पर क्या देगा, आपको हीट देगा, ठीक है। वही हीट तो वो पिस्टन के ऊपर में स्ट्राइक करता है, प्रेशर फोर्स जो स्ट्राइक करता है, और पिस्टन का होता है रेसिप्रोकेटिंग मोशन, और उस कनेक्टिंग रोड लगा के फिर हम लोग क्रैंकशाफ्ट को रोटेट करवा देते हैं। तो यहाँ पर आपका स्पार्किंग करने के साथ क्या होगा, फ्यूल जलेगा, वो आपको हीट देगा। तो जिस टेम्परेचर पर आपका फ्यूल जलता है ना, उसको बोलते हैं फायर टेम्परेचर या तो सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर, मतलब किसी भी फ्यूल का एक अपना टेम्परेचर होता है, जब तक आप वो टेम्परेचर फ्यूल को नहीं दोगे तब तक वो फ्यूल नहीं जलेगा। तो जैसे कि अगर मैं बात करूँ पेट्रोल इंजन में, जो एसआई इंजन में जो उसका सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर होगा, सेल्फ इग्निशन किसका, पेट्रोल इंजन में, पेट्रोल फ्यूल का, तो 247 से लेकर 280 डिग्री सेल्सियस होगा। और डीजल का बात करेंगे तो 210 डिग्री सेल्सियस, मतलब जो सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर होता है पेट्रोल का ज़्यादा होता है और डीजल का कम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या समझा, आपने ये समझा यहाँ पर कि आपकी जो फ्यूल है
इंजन के अंदर आया होगा, ठीक है, और हम लोग जो कंप्रेस किए होंगे तो यहाँ पर उसका टेम्परेचर बढ़ा होगा, तो टेम्परेचर पहुँच गया फ्लैश टेम्परेचर, मतलब अब फ्यूल रेडी है, लेकिन फिर स्पार्किंग करने के बाद और टेम्परेचर हम लोग देंगे और फ्यूल का टेम्परेचर फायर टेम्परेचर पर पहुँचेगा और यहाँ पर फ्यूल आपका जलेगा। तो जिस टेम्परेचर पर फ्यूल मेरा जलता है उसको मैंने क्या बोल दिया, सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर, ठीक है। जब तक ये टेम्परेचर आप फ्यूल को नहीं दोगे फ्यूल मेरा नहीं जलेगा। और फ्यूल जलने के बाद क्या करेगा भैया, अपना केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करवा देगा, किसमें, हीट एनर्जी में, ठीक है, मतलब वो आप हीट को रिलीज़ करेगा। अब इस हीट एनर्जी को भैया मतलब क्या करेगा, जो गैसेस हैं जलने के बाद वो पिस्टन पे लगाने वाले हैं थ्रस्ट फोर्स, ठीक है, ये तो हम लोगों को पता है, तो उसी को हम लोग पावर स्ट्रोक बोलते हैं। और फिर पावर स्ट्रोक में क्या होगा, मेरा जो पिस्टन है नीचे की ओर आएगा, फिर यहाँ पे लगा रहता है कनेक्टिंग रोड, कनेक्टिंग रोड के साथ रहता क्रैंक और बीच में रहता ये क्रैंकशाफ्ट, फिर ये क्रैंकशाफ्ट क्या करता, रोटेट करने लगता। ये होता है ऐसा इंजन है जो आपका जो कंबशन होता है कुछ इस तरीके से होता है, ये आपका आइडियल कंडीशन है, ठीक है। हमने क्या समझा कि यहाँ पर जब स्पार्किंग हुआ होगा तो सारा फ्यूल मेरा एक साथ जल गया, ठीक है, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली नहीं होता है, समझेंगे कि कैसे नहीं होता है। अब मैं बात करूँगा पी और थीटा डायग्राम के बारे में बात करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रेशर और जो थीटा आपका यहाँ पर है एंगल ऑफ क्रैंक, ठीक है, क्रैंक एंगल है। अब आप सब कुछ यहाँ से समझो, आपको पता है कि स्टार्टिंग में जैसे कि मैंने बोला कि जो मेरा इंजन रहता है तो ये यहाँ से इनलेट वॉल्व है, ये एग्जॉस्ट वॉल्व है, यहाँ पे आपका स्पार्क प्लग है, ठीक है, ये मेरा पिस्टन हो गया, यहाँ से लगी रहती है कनेक्टिंग रॉड, क्रैंक, देन आफ्टर क्रैंक शाफ्ट रहता है, ठीक है। तो फ्यूल सपोज करो यहाँ पर आपका जो ये जो पॉइंट दिख रहा है यहाँ पे, ये फ्यूल आपका इंजन के अंदर आ गया, ठीक है। सीबी का मतलब होता है कंप्रेशन बिगनिंग, मतलब भैया अब आप क्या कर रहे हो, यहाँ से बीडीसी से लेके मतलब बॉटम डेड सेंटर से लेके आप जा रहे हो कहाँ पे, टॉप डेड सेंटर की ओर जा रहे हो। फ्यूल को कंप्रेस करोगे तो प्रेशर भी बढ़ेगा और टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो ये वही शो कर रहा है थियोरेटिकली कि जब मैं यहाँ पे 180 डिग्री तक क्या करूँगा, फ्यूल को कंप्रेस करूँगा, ठीक है, मतलब बीडीसी से लेके जब टीडीसी आप पहुँचते हो तब फ्यूल का प्रेशर क्या हो रहा है यहाँ पे, बढ़ रहा है, ठीक है। अब जैसे बी पॉइंट पे पहुँच गया, मतलब ये जब टीडीसी सेंटर पे पहुँचेगा तब हो जाएगा क्या, स्पार्किंग होगा, ठीक है, मतलब स्पार्क बिगनिंग, और स्पार्क बिगनिंग जैसे ही होगा तब मेरा फ्यूल जलेगा, और फ्यूल जलने के बाद भैया बहुत ही ज़्यादा हीट वो रिलीज करेगा, मतलब अपना केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा, किसमें, आपका हीट एनर्जी में, ठीक है। तो उस टाइम क्या होगा, प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, तो देखो ये वर्टिकल लाइंस क्या शो कर रहा है, ये प्रेशर शो कर रहा है कि भैया फ्यूल का बहुत ज़्यादा बढ़ गया और हीट का मेरा यहाँ पे एडिशन हो गया एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे, ठीक है। तो ये आपका सो क्या क्या रहा है, स्पार्क बिगनिंग हो गया। अब फ्यूल जलने के बाद भैया पिस्टन पे लगाएगा क्या, थ्रस्ट फोर्स लगाएगा, तो भैया थ्रस्ट फोर्स जब लगाएगा तो अब यहाँ पे क्या शो कर रहा है, यहाँ पे तो सी पॉइंट पे स्पार्क का एंडिंग हो गया। अब सी पॉइंट के बाद आप जब नीचे आते हो तो शो कर रहा है कि मेरा प्रेशर डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, प्रेशर क्या हो रहा है आपके यहाँ पे, डिक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। अरे एक ऐसा पॉइंट पर आता है जहाँ पे पीडी, पीडी एक ऐसा डिलीवरी प्रेशर होता है, मतलब जैसे कि आप जो एग्जॉस्ट स्ट्रोक जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसमें जले हुए गैसेस को क्या करना पड़ता है, बाहर निकालना पड़ता है इंजन में, तो भैया वो बाहर तब निकलेगा ना जब इंजन का अंदर का जो प्रेशर है वो ज़्यादा होना चाहिए किसके, बाहर से, तो प्रेशर का डिफरेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर जब इस पॉइंट पर आपका जो होता है, जब आपका एग्जॉस्ट स्ट्रोक जो होता है वो कंप्लीट, सॉरी पावर स्ट्रोक यहाँ पर कंप्लीट होता है, मतलब बीडीसी पर जब आपका पिस्टन आ जाता है, एग्जॉस्ट वॉल्व क्या होगा, ओपन हो जाएगा और सारा गैस जो मेरा क्या बाहर चला जाएगा। उसके बाद फिर मेरा कंडीशन क्या हो जाएगा कि जो स्टार्टिंग का कंडीशन होता है फ्यूल को सक करने के लिए, तो फिर मेरा इंजन के अंदर का प्रेशर कितना रहेगा, पी एटीएम रहेगा। तो ये जो मेरा सब कुछ यहाँ पे दिख रहा है कि कंप्रेशन करने का टाइम प्रेशर बढ़ेगा, फिर यहाँ पे आपका हीट एडिशन हो रहा है स्पार्किंग के कारण कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे, फिर आपका जब एक्सपेंशन हो रहा है पावर स्ट्रोक के टाइम प्रेशर आपका डिक्रीज कर रहा है, फिर इस पॉइंट पे आपका एग्जॉस्ट वॉल्व ओपन हो रहा है जहाँ पे आपका डिलीवरी प्रेशर जो है मतलब इंजन के अंदर वो एटमॉस्फेयर से ज़्यादा है, उसके बाद फिर जो न्यू फ्यूल और एयर का जो सक्शन होगा उसमें जो आपका इंजन के अंदर का जो प्रेशर वो कितना हुआ, पी ए टी एम है, ठीक है। तो ये तो मुझे समझ में आ गया कि भैया ये एक आइडियल कंडीशन, ठीक है, एक्चुअल पी थीटा डायग्राम का। तो देखो 180 तक यहाँ पे ये क्या किस चीज़ के बारे में दिखा रहा है, कंप्रेशन के बारे में दिखा रहा है, और बाकी का 180 किसके बारे में बात कर रहा है, वो एक्सपेंशन के बारे में बात कर रहा है, मतलब पावर स्ट्रोक के बारे में बात कर रहा है। लेकिन ये मैंने क्या बोला, ये थियोरेटिकल है, थियोरेटिकल पी थीटा डायग्राम है। लेकिन अगर मैं बात करूँ एक्चुअल पी थीटा डायग्राम में क्या होता होगा, देखिए एक्चुअल पी थीटा डायग्राम में क्या होगा, अब देखिए क्या होगा कि मेरा फ्यूल देखो इस पॉइंट पे है, ठीक है, तो मैंने देखो 180 डिग्री, अब यहाँ से लेके भी यहाँ से बंदा क्या करेगा, कंप्रेशन के बाद करेगा, और 180 के बाद किसका बात करेगा, एक्सपेंशन के बाद करेगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या होता है, फ्यूल को आपने मान लो एक कैपिटल ए से लेके यहाँ तक आपने कंप्रेस करना स्टार्ट किया, ठीक है, किसके अंदर, अब फ्यूल जो मेरा है मान लो इंजन के अंदर आ चुका है, और इनलेट वॉल्व और एग्जॉस्ट वॉल्व दोनों क्या क्लोज है, ये मेरे स्पार्क प्लग है, अभी मेरा जो पिस्टन है वो बीडीसी में है, अब बीडीसी से लेके मेरा जो पिस्टन जाने वाला कहाँ
पे जाएगा, TDC की ओर जाएगा। ठीक है, मतलब मेरा क्या होने वाला है भैया, अब कंप्रेशन होने वाला, कंप्रेशन चल रहा है तो ये क्या शो कर रहा है कि भैया कंप्रेशन अभी हो रहा होगा। अब जैसे क्या होता है ना, फ्यूल को जब आप कंप्रेस करोगे तो क्या होता है कि मान लो अब बहुत सारा ऐसा भी तो फ्यूल रहेगा ना, जैसे कि मान लो ये पूरा यहाँ पर फ्यूल भरा हुआ है, तो कुछ फ्यूल के पार्टिकल्स ऐसे भी होंगे जो स्पार्क प्लग के सामने होंगे। मतलब क्या शो कर रहा है कि जब मेरा पिस्टन BDC से लेके जब DDC की ओर जा रहा होगा, तब जब ये DDC पूरा पहुँचता नहीं है, उसके पहले ही मेरा क्या हो जाता है, स्पार्किंग जरा सा स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि देखो फ्यूल जो मेरा जलेगा तो उसको जलने में तो कुछ टाइम चाहिए ना, ऐसा थोड़े कि स्पार्किंग हो गया मेरा फ्यूल सारा जल जाएगा, नहीं जलेगा ना, क्योंकि सारा फ्यूल को अगर जलना है तो सबको चाहिए टेम्परेचर। कौन सा टेम्परेचर, टी फायर, मतलब जिसको हम सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर बोल रहे हैं, और ये भैया तब जलेगा ना जब उसको टाइम दोगे। इसलिए TDC से पहुँचने से पहले क्या हो जा रहा है भैया, फ्यूल में हो जा रही है स्पार्किंग। ठीक है, तो स्पार्किंग हो गया, फिर हम लोग फ्यूल को कंप्रेस किए जा रहे हैं, तो ए से लेके बी के प्रोसेस में क्या होगा, आपको यहाँ पर क्या दिख रहा होगा कि भैया मैंने क्या कर दिया, कंप्रेशन भी हो गया और स्पार्किंग भी हो गया। अब देखो ये क्या हो रहा है, 180 पहुंचेगा तब DDC पे पहुंचेगा ना, लेकिन हम क्या कर रहे हैं 100 आपका 60 डिग्री पर ही क्या हो जा रहा है, स्पार्किंग स्टार्ट हो जा रहा है। ठीक है, क्योंकि हमको पता है कि पूरा फ्यूल जलना है तो भैया उसमें लगने वाला है टाइम। अब जब हम 160 से 172 पहुँचे तो अब देखो क्या हो रहा है, कंप्रेशन तो हो ही रहा है, क्योंकि भैया अभी तक 180 तक पहुँचेंगे तब कंप्रेशन मेरा बंद होगा, स्पार्किंग भी हो रहा है। अब क्या हो रहा है, इग्निशन, मतलब फ्यूल जो मेरा रहता है, इस जो मेरा पिस्टन है वो TDC से पहुँचने से पहले ही फ्यूल में क्या होने लगा, जलने लगा। और ये फ्यूल भैया कौन सा फ्यूल जलेगा, जो जब स्पार्किंग होगा ना, तो फ्यूल जो आपके पार्टिकल्स जो आपके यहाँ पे सामने रहेंगे, किसके सामने, स्पार्क प्लग के सामने रहेंगे, वो वाले जो फ्यूल पार्टिकल्स होंगे पहले जलेंगे वो, समझ रहे हो। तो उसके कारण भी प्रेशर क्या होगा और बढ़ेगा। अब यहाँ पर जब ये पॉइंट, इस पॉइंट पे जब हम लोग आते हैं, तो भैया आपकी 180 डिग्री पे जब आओगे TDC पे, जब आपका पिस्टन पहुँच गया, तो आपका कंप्रेशन का स्ट्रोक क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है, फिर आगे का प्रोसेस में क्या देखोगे, यहाँ पे आपका हो रहा है एक्सपेंशन। अब फ्यूल जला, ठीक है, अब फिर जब मान लो अब क्या होगा, एक्सपेंशन मतलब कि अब पिस्टन को TDC से BDC आना पड़ेगा, लेकिन फिर भी देखो वहाँ पे एक्सपेंशन हो रहा है, एक्सपेंशन होने के कारण क्या होगा, प्रेशर मेरा डिक्रीज करेगा, मतलब प्रेशर एक्सपेंशन का प्रोसेस होगा। उसी टाइम आप देखो पूरा स्पार्किंग जो होता है अभी भी आपका ये बंद नहीं हुआ है, और इग्निशन अभी भी चल रहा है, मतलब TDC से जब BDC की ओर पिस्टन आ रहा होगा 180 से लेकर 188 तक, उस टाइम आपका स्पार्किंग भी चल रहा है और इग्निशन मतलब फ्यूल पूरा जल भी रहा है। क्योंकि देखो फ्यूल मान लो क्या रहता है, स्पार्क जो आपके स्पार्क प्लग है उसके सामने भी फ्यूल पार्टिकल्स होगा, और सबसे दूर में भी तो स्पार्क प्लग के फ्यूल के पार्टिकल्स होंगे, तो भैया दूर वाले को भी तो जलाना पड़ेगा, तो उसके लिए मुझे स्पार्किंग क्या करना पड़ेगा, एक्सपेंशन के बाद भी, मतलब 180 डिग्री के बाद भी थोड़ा सा स्पार्किंग मतलब एक्चुअल में रियलिटी में होता है यह देखा गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका स्पार्किंग और इग्निशन दोनों से कर रहा है, और ये एक्सपेंशन भी होने लगा थोड़ा सा। ठीक है, अब जैसे आप सी पॉइंट से D जाते हो तो एक्सपेंशन ज़्यादा होगा और यहाँ पर फ्यूल पार्टिकल्स इग्निशन हो रहा है। देखो यहाँ पर आपका 180 के बाद स्पार्किंग क्या हो गया, बंद हो गया। ठीक है, 188 के बाद आपका स्पार्किंग नहीं हो रहा, लेकिन फ्यूल का जो दहन है, इग्निशन आपका यहाँ पर भी हो रहा है, और जो आपका एक्सपेंशन प्रोसेस वो थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, अब डी के बाद देखो कंप्लीटली आपका जो प्रोसेस होता है इग्निशन का प्लस स्पार्किंग का, ये बंद हो जाता है, और डायरेक्ट यहाँ पे क्या हो जा रहा है, टोटली आपको यहाँ पे एक्सपेंशन प्रोसेस मिल जाता है, पावर स्ट्रोक जिसको बोलते हैं। फिर इस पॉइंट पे आपके जो डिलीवरी वॉल्व क्या होती है, ओपन हो जाती है, और जो अंदर का जो आपका डिलीवरी प्रेशर है PD होता है वो ज़्यादा आपका किससे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तो यहाँ से आपका जो गैस है भैया एग्जॉस्ट वॉल्व ओपन होने से इंजन से कहाँ चली जाएगी, बाहर चली जाएगी। ठीक है, फिर और एक बार समझते हैं इसको, देखते हैं मैंने क्या बोला आपको। मैंने आपको ये बोला कि जो मेरा फ्यूल जो जलता है SI इंजन में, वो अब ऐसा नहीं है कि भैया BDC से लेकर TDC मेरा पिस्टन पहुंचेगा तब मेरा फ्यूल स्पार्किंग होगा, सारा फ्यूल जल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। क्या होता है, स्पार्क प्लग के सामने वाला फ्यूल जब रहता है, जब स्पार्किंग होता है ना, तो सबसे ये सामने वाले फ्यूल जलते हैं, उसके बाद ये दूर वाले फ्यूल जलेंगे आपके। तो भैया दूर वाले फ्यूल पार्टिकल्स को अगर जलाना है तो आपको इसको टाइम देना पड़ेगा ना, यहाँ पर इसको टेम्परेचर, फायर टेम्परेचर, या जिसको हम लोग सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर बोल रहे हैं, अगर इसको इतना टेम्परेचर मिलेगा नहीं तो ये जलेगा कैसे। मतलब हमको स्पार्किंग का जो प्रोसेस होना करना है वो TDC से पहले ही करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये क्या शो कर रहा है कि भैया यहाँ से जब कैपिटल A से लेकर स्मॉल A तक बंदा पहुँचा तो यहाँ पे सिर्फ कंप्रेशन हो रहा है, और A अब यहाँ TDC से पहले, यहाँ पर ये पॉइंट आपका TDC शो कर रहा होगा पिस्टन का, लेकिन और यहाँ पर ये आपका BDC शो कर रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब जाता है वो तो TDC से पहले क्या स्पार्किंग स्टार्ट हो गया, और स्पार्किंग स्टार्ट होगा तो कौन से वाले फ्यूल पार्टिकल्स जलेंगे, जो आपके स्पार्क प्लग के सामने वाले होंगे। ठीक है, उसके बाद फिर थोड़ा सा जब
आगे ये बंदा बढ़ा, मतलब जब पिस्टन का जब मूवमेंट हुआ BDC से लेकर TDC की तरफ, अब वहाँ पर क्या होगा, फ्यूल का दहन भी होने स्टार्ट हो गया, मतलब जो आपके स्पार्क प्लग वाले सामने वाले फ्यूल पार्टिकल्स है वो अब जलने भी लगे, और ये जलने के बाद ये क्या करेंगे, अपने सामने वाले फ्यूल पार्टिकल्स को हीट देंगे। अब ये जब ये हीट इसको ट्रांसफर करेगा तो ये सामने वाले जो पार्टिकल्स आपके हैं फ्यूल के, इनका भी टेम्परेचर सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर पर पहुँच जाएगा। अब ये फ्यूल पार्टिकल्स जलेंगे और फिर ये अपने आगे वाले को देंगे। तो इस तरीके से भैया ये प्रोसेस होता है। भले ये अभी हम लोग को समझने में लग रहा है कि इसमें टाइम लगता होगा, लेकिन इसमें बहुत ही कम टाइम लगता है, ठीक है। और फिर एक ऐसा टाइम आता है जब मेरा पिस्टन TDC पे पहुंचता है तो कंप्रेशन का जो प्रोसेस होता है वो कंप्लीट हो जाता है, और पिस्टन क्या करता है अब TDC से लेकर BDC की ओर मूव करेगा, नीचे से मतलब ऊपर से नीचे की ओर आएगा अपना। तो उस टाइम क्या स्पार्किंग भी जारी रहेगा और इग्निशन भी जारी रहेगा, और भैया थोड़ा सा कुछ एक्सपेंशन भी होगा मान लो, क्योंकि फ्यूल जब जलेगा ना तो उसमें भैया जो उसका केमिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हो, तो भैया वो पिस्टन के ऊपर कुछ तो थ्रस्ट फोर्स लगाएगा ना, तो उसके कारण थोड़ा सा क्या हो जाएगा, एक्सपेंशन भी हो जाएगा। अब फिर जब थोड़ा सा आगे चलता है तो स्पार्किंग यहाँ पे बंद हो जाएगा और फ्यूल का सिर्फ थोड़ा सा इग्निशन होगा और एक्सपेंशन ज़्यादा होगा, क्योंकि जब ज़्यादा फ्यूल जलेगा तो भैया ज़्यादा थ्रस्ट फोर्स लगाएगा, और डी के बाद आपका जो होता है इग्निशन और स्पार्किंग कंप्लीटली बंद हो जाता है, और यहाँ पर डी के बाद क्या होगा, ओनली आपका एक्सपेंशन, जिसको हम लोग पावर स्ट्रोक बोलते हैं, और डी तक आते आते आपका जो आपका ये एग्जॉस्ट स्ट्रोक जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसमें आपका क्या होगा, जली हुई जो गैसेस होती है वो इंजन से बाहर निकलने वाली है, इसलिए वहाँ इंजन के अंदर का जो प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेयर से ज़्यादा होना चाहिए, और फिर जो आपका सक्शन प्रोसेस है वो फिर स्टार्ट हो जाएगा, तो वो PATM पे पहुँच जाएगा, ठीक है। तो वही यहाँ पे आपको शो किया गया है कि देखो यहाँ से लेके ये आपका 180 तक कंप्रेशन का कंडीशन शो कर रहा है, और ये 180 से ये 96 से लेके यहाँ तक जब पहुँचोगे तो ये आपका 360 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका बाकी का जो 180 है ये क्या शो करेगा, आपका एक्सपेंशन का प्रोसेस शो कर रहा है। तो ये हमको ये समझ में आया कि जब फ्यूल मेरा जलता है वो कम्प्लीटली जब BDC से लेकर TDC जब जाता है पिस्टन तब नहीं जलता है, TDC से पहले ही मतलब आपका जो स्पार्किंग का प्रोसेस होता है वो स्टार्ट हो जाता है, अगर पूरा फ्यूल को जलाना हो तो, ठीक है। तो अब इसमें समझते हैं इसमें क्या बोल रहा है कि इन SI इंजन द होमोजेनियस एयर फ्यूल मिक्सचर, होमोजेनियस का मतलब होता है भैया एयर और फ्यूल पूरा मिला हुआ है, ठीक है। हर जगह आप उठाओगे ना तो जितना भी कंपोजिशन जो होता है एयर और फ्यूल का एक जगह जो मिलने वाला है वो हर एक जगह सेम मिलेगा, इसलिए उसको होमोजेनियस बोल रहे हैं। फ्रॉम कार्बोरेटर से आता है, ठीक है। इज इंड्यूस्ड थ्रू द इनटेक वाल्व ऑफ द सिलेंडर ड्यूरिंग सक्शन स्ट्रोक, मतलब सक्शन स्ट्रोक में क्या होगा, एयर फ्यूल मेरा इंजन के अंदर एंट्री करेगा और फिर हम लोग एयर को क्या करने वाले हैं, कंप्रेस करने वाले हैं एयर और फ्यूल को, और जिसमें कंप्रेशन रेशियो कितना होगा, 6 से 10, ठीक है, 6 से 10 हो जाएगा आपका। एंड द मिक्सचर इज इग्नाइटेड जस्ट बिफोर एंड ऑफ कंप्रेशन स्ट्रोक बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिक स्पार्क, मतलब जस्ट बिफोर का मतलब है TDC पहुंचने से पहले ही जो मेरा है स्पार्किंग स्टार्ट हो जाएगा। ये इसलिए स्टार्ट हो रहा है क्योंकि भैया पूरा फ्यूल को जलने में लगता है टाइम, तो अगर वो स्पार्किंग जो होता है TDC से पहले नहीं करेगा तो भैया पूरा फ्यूल मेरा नहीं जलेगा, ये प्रैक्टिकल कंडीशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है कि द कंबशन इन SI इंजन इज डिवाइडेड इंटू 2 टाइप्स, मतलब जो स्पार्क इग्निशन इंजन होता है वहाँ पर जो कंबशन होता है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, एक नॉर्मल कंबशन और एक होता है एबनॉर्मल। मतलब नॉर्मल कंडीशन में आप जैसा चाहते हो कि भैया हाँ कंप्रेशन किए फ्यूल जल गया जितना हीट चाहिए हमको उतना मिल गया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा भी कंडीशन होता है कि किसी टाइम आपको हीट बहुत ज़्यादा मिल जाता है और इतना ज़्यादा हीट मिल जाता है कि आपका इंजन वो संभाल नहीं पाता, उसको समझ में नहीं आता भैया आप इतने हीट को क्या करना क्या इतने एनर्जी को, तो उस कंडीशन को हम लोग बोल देते हैं एबनॉर्मल कंडीशन। और यहीं से आपका जो है ना नॉकिंग वगैरह जिसको आप लोग टर्म नाम सुनते हो नॉकिंग डिटोनेशन ये सब यहाँ से निकल के आने वाला है, ये क्या होगा एबनॉर्मल कंबशन से निकल के आएंगे, ठीक है। तो अभी आपको मैंने जो आपको समझाया वहाँ पे तो फर्स्ट स्टेज ऑफ कंबशन मतलब जैसे आपने देखा था ना ए से बी जो हम मेरा जा रहा था तो उसको फर्स्ट स्टेज ऑफ कंबशन क्यों बोल रहे हैं, देखो आप क्यों बोलते हैं, व्हेन स्पार्क बिगिंस कॉन्टैक्ट टेक्स प्लेस बिटवीन द स्पार्क एंड द नियरेस्ट फ्यूल पार्टिकल। अब देखो यहाँ पे स्पार्क प्लग है तो मैंने क्या समझाया था कि ये देखो सामने वाले फ्यूल पार्टिकल्स, मैंने समझाया कि 4 फ्यूल पार्टिकल्स है तो सामने वाला जो स्पार्क होगा तो भैया वो जलेगा, जलने के बाद ये क्या होगा काला काला हो जाएगा, ठीक है। पहले सामने वाला फ्यूल जलेगा और फिर सामने वाला फ्यूल जब जलेगा तो फिर ये आगे वाले को हीट देगा, मतलब उसका टेम्परेचर फिर क्या होगा लाल होगा, ठीक है। और फिर वो फ्यूल जलेगा तो फिर वो अपने आगे वाले फ्यूल को देगा, इस तरीके से ये पूरा आपका हीट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। और जब ये सारे फ्यूल जल जाते हैं और जले हुए फ्यूल को जब आप इस तरह से एक लाइन मिला देते हो तो इसी को बोला जाता है फ्लेम फ्रंट। फ्लेम मतलब क्या होता है भैया, एक तरह का मतलब
ज्वलित मतलब एक तरह के उसमें जैसे जला हुआ उसमें बोलते हैं ना वो निकल के आता है। ठीक है, तो ये कैसे फ्लेम हमको कैसे मिलता है, फ्लेम फ्रंट, जब सारे फ्यूल पार्टिकल्स जल जाते हैं आपके फ्यूल वाले पार्टिकल, जब आप उसको मिलाओगे तब वहाँ से निकल के आता है फ्लेम फ्रंट। ठीक है, और ये फ्लेम फ्रंट जो होता है ना आगे की ओर ट्रेवल करता है कैसे। अब मान लो फिर आगे वाले फ्यूल पार्टिकल्स, यहाँ पर चार फ्यूल पार्टिकल्स ये जलेंगे तो ये भी जलेंगे, तो यहाँ से क्या निकल के आने वाला आपका फ्लेम फ्रंट। तो ये फ्लेम फ्रंट जो होता है स्पार्क प्लग से लेके आपका क्या करेगा, जो इंजन का अपोजिट साइड है स्पार्क प्लग का वहाँ तक ये ट्रेवल करने वाला है। ठीक है, तो जो अब उसके बाद क्या होगा, जो नियरेस्ट फ्यूल पार्टिकल वो जलेंगे एंड द केमिकल एक्शन बिगिंस दैट लिबरेट्स हीट। केमिकल एक्शन करने का मतलब है जो आपका हाइड्रोकार्बन फ्यूल होता है और जब स्पार्किंग होगा ना तो भैया वहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, जब तक वो पूरा केमिकल एक्शन पूरा नहीं होगा आपका फ्यूल जो होता पूरा जलेगा ही नहीं। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो आपको हमको हीट मिला था लिबरेटेड हीट नाउ ट्रांसफर टू अदर एरियाज, मतलब अब ये धीरे धीरे क्या करेगा, पहले सामने वाला जला फिर ये अपने दूर वाले फ्यूल पार्टिकल्स को अपना हीट देने वाला है। ठीक है, इन कंबशन चैम्बर एंड इन द मीन टाइम देयर इज राइज इन मीन टेम्परेचर ऑफ फ्यूल पार्टिकल्स। इसी तरीके से धीरे धीरे जो आपका टेम्परेचर है फ्यूल पार्टिकल्स का वो क्या होगा, जलने लगेगा। तो इसी तरीके से देखो ये अलग अलग जब आप फ्यूल पार्टिकल्स को मिलाओगे तो भैया ये क्या निकलने वाला है, फ्लेम फ्रंट निकलने वाला है। और ये फ्लेम फ्रंट क्या शो कर रहा होगा, इस तरीके से ये क्या करता है स्पार्क प्लग से लेके उसके अपोजिट साइड तक मतलब ये चलता है। तो फ्लेम फ्रंट कुछ नहीं है, जो आपके फ्यूल पार्टिकल्स जलते हैं ना उसको जब आप मिला दोगे ये जो आपको लाइन बन रहा है इसी लाइन को हमने बोल दिया क्या आपका फ्लेम प्रोपेगेशन, मतलब फ्लेम बोल दिया फ्लेम फ्रंट। तो ये जो इसका जो डायरेक्शन होगा इसको हम लोग बोलेंगे प्रोपेगेशन ऑफ न्यूक्लियस। किसका न्यूक्लियस भैया, इस फ्लेम की बात कर रहे हैं, जो ये फ्लेम आपका जलने के बाद इस तरीके मिला के हम लोग जो बनाए हैं गैस पार्टिकल्स का। और फिर क्या देखो, अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग ये व्यू देखना चाहेंगे तो फ्लेम फ्रंट कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, कार्टेशियन व्यू देखेंगे तो सेमी सर्कल, और टॉप से देखोगे तो भैया ये कुछ सर्कल दिखेगा। तो एट बी इग्निशन स्टार्ट, मतलब अभी हम लोगों ने जो देखा था ना कि भैया इस तरीके से कंप्रेशन कर रहे थे तो यहाँ पे आपका स्पार्किंग ए पॉइंट पे स्टार्ट हो गया था, बी पे आपका स्पार्किंग और इग्निशन दोनों स्टार्ट हो गया था। तो आपको यहाँ से हमको नोट ये समझ में आ गया कि द टाइम टेकन फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ केमिकल एक्शन ऑफ द फ्यूल टू द इग्निशन इज कॉल्ड केमिकल डिले और लेग टाइम। अब देखो मतलब क्या होता है, फ्यूल मेरा होता है, फ्यूल तो तुरंत जलता नहीं है। ठीक है, केमिकल एक्शन करने का मतलब होता है, अब जो हाइड्रोकार्बन फ्यूल होता है प्लस ऑक्सीजन जो एयर में मिक्सचर होता है उस उन दोनों का अपना एक मिक्सचर में मतलब क्या होता है वहाँ पर केमिकल एक्शन होता होगा। उसके बाद आपने क्या बोला, स्पार्किंग आप करते हो, मतलब ये जो स्पार्किंग करते हो तो ये क्या देता है, इसको हीट देता है। ठीक है, उसके बाद जो आपका यहाँ से स्पार्किंग से लेके जब फ्यूल जब इग्निशन हो रहा है तो बीच में जो टाइम लग रहा है आपको फ्यूल को मतलब रेडी होने में जलने के लिए, उसी टाइम को हम लोग यहाँ बोल देते हैं क्या, केमिकल डिले और लेग टाइम बोल दे रहे हैं। ठीक है, समझ लेते हैं इसको पूरे और अच्छे से क्या बोल रहा है। व्हेन द टेम्परेचर इज इक्वल टू और मोर देन द सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल देन देयर इज अ एंड ऑफ केमिकल एक्शन। मतलब अब जैसे कि मेरा फ्यूल पार्टिकल जो है ना ए से लेके बी के बीच में जल नहीं रहा, मतलब वहाँ पे स्पार्किंग नहीं हो रहा था। ठीक है, मतलब स्पार्किंग हो रहा है लेकिन इग्निशन नहीं हो रहा है। ठीक है, दहन नहीं हो रहा, तो भाई क्या हो रहा था उसके बीच, तो भैया इसके बीच हो रहा था केमिकल एक्शन। केमिकल एक्शन मतलब मैंने बोला आपको कि जो एयर में होगा, एयर के अंदर क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। ठीक है, और जो हाइड्रोकार्बन फ्यूल होते हैं वो आपस में केमिकल एक्शन बनाएंगे, स्पार्किंग हुआ, स्पार्किंग के कारण जो हीट होता है फ्यूल पार्टिकल्स को मिलेगा, उसके बाद भैया फ्यूल पार्टिकल्स जलना स्टार्ट करते हैं। तो भैया ए से बी के बीच में जो टाइम गैप हो रहा है उसी टाइम को हम लोगों ने क्या बोल दिया, इग्निशन डिले और लेग टाइम। लेग मतलब क्या होता है भैया, मैं किसी चीज़ से मतलब आप लोग मतलब बेक कर जा रहे हो। ठीक है, उसमें टाइम लगा रहे हो आप, और जब बी पॉइंट पे पहुंचते हो तो वहाँ पे इग्निशन बिगिन हो जा रहा है, मतलब मेरे फ्यूल पार्टिकल्स क्या वहाँ पे पहुंच गया फायर टेम्परेचर पे। तो फ्लैश पॉइंट पे क्या होता है भैया, मतलब फ्यूल है रेडी टू बिगिन, लेकिन भैया रेडी टू बिगिन है लेकिन ये कब रेडी टू, मतलब अब क्या करना पड़ेगा इसमें, इसको भैया पहुँचाना पड़ेगा टी फ्लैश से लेकर टी फायर तक, और टी फायर तक जैसे ही पहुँच जाएगा आपका तो इग्निशन हो जाएगा। तो ए से बी के बीच जो टाइम लग रहा है ना उसी को हम लोग क्या बोल दे रहे हैं यहाँ पे, फर्स्ट स्टेज ऑफ कंबशन, या तो उसको बोलेंगे केमिकल डिले ये और लेग, या तो प्रीपेरेटरी फेज। प्रीपेरेटरी मतलब क्या, कि फ्यूल अपने आप को रेडी कर रहा है इग्निशन के लिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि स्पार्किंग हो गया और फ्यूल मेरा जल गया, नहीं, फ्यूल भैया पहले ए से लेके बी के बीच में क्या करता है, कुछ टाइम लेता है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं क्या, केमिकल एक्शन बोल रहे हैं, मतलब भैया हाइड्रोकार्बन जो फ्यूल होगा प्लस एयर में जो आपका O2 रहेगा उसके बीच भी एक केमिकल रिएक्शन बनाता है, फिर स्पार्किंग के कारण जो हीट मिलता है उसके कारण पूरा ये रिएक्शन बनता है, उसके बाद जो होता है फ्यूल आपका पूरा जलेगा। तो वो जो टाइम लग जाता है ए से लेके बी तक पहुंचने में, उस टाइम को हम लोग क्या बोल रहे हैं, केमिकल डिले और फर्स्ट स्टेज ऑफ कंबशन बोल रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं सेकंड स्टेज
अब सेकंड स्टेज में क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले अभी आपको मैंने फ्लेम फ्रंट क्या समझाया था कि जो फ्यूल के पार्टिकल्स होते हैं किसके सामने, नियर वाले किसके, स्पार्क प्लग के, वो जब इग्निटेड होते हैं, जो दहन होते हैं और उसके लाइन को जो हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं, तो वो फ्यूल पार्टिकल किसका, फ्यूल पार्टिकल्स को, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लेम फ्रंट। मतलब इस तरीके से अगर आपके स्पार्क प्लग हैं तो मान लो सामने के आपके ये फ्यूल पार्टिकल्स है, जब ये स्पार्किंग होगा तो ये अपने आप इसको हीट देगा और ये सामने वाले सबको हीट दे देगा, ठीक है। और जब सारे को हीट दे देगा तो ये क्या करेंगे, जलेंगे। और जलने के बाद मैंने वो क्या बोला कि इस तरह के इसको एक लाइन बना दो, तो भैया ये जो लाइन बन गया इसी को हम लोग क्या नाम दे दिया, फ्लेम फ्रंट। मतलब भैया ये अब जाने फ्लेम जो होता ना, हमेशा हमको ये दिखेगा कि ये भैया फ्लेम फ्रंट इस तरह आगे की ओर ट्रेवल कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये भैया यहाँ पर ये जलने के बाद जो इनका जो अपना हीट था ये किसको दे देंगे, आगे वाले को दे देंगे, फिर आगे वाले फ्यूल पार्टिकल्स को जलाएंगे तो कुछ इस तरीके से मिलेगा। तो ये हमको दिखेगा कि फ्लेम फ्रंट मेरा ट्रेवल कर रहा है एक जगह से दूसरे जगह की ओर कर रहा है, ठीक है। तो अब देखते सेकंड स्टेज में क्या बोल रहा है, बोलता है कि आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट फ्लेम फ्रंट, मतलब जब आपने सामने वाले को, जैसे कि ये मेरा फर्स्ट फ्लेम फ्रंट है, ठीक है, हीट फ्रॉम द फ्लेम फ्रंट इग्नाइट द नियर बाई फ्यूल पार्टिकल। मतलब अब क्या करेगा ये फ्लेम फ्रंट, अब भैया हीट देगा किसको, सेकंड वाले को देगा, तो सेकंड वाले को भी जब जलेंगे आपके, उसके बाद जब जला दोगे तो फिर एक नया फ्लेम फ्रंट निकल के आएगा, फिर उसके बाद इसकी आपने आगे वाले को हीट देगा, फिर आगे वाले के जो फ्यूल पार्टिकल्स जलेंगे तो फिर एक से आपको क्या दिखेगा, नया फ्लेम फ्रंट दिखने वाला है। मतलब आपको लगेगा कि यार ये फ्लेम फ्रंट मेरा ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, आपको लगेगा कि एक ही फ्लेम फ्रंट है जो मेरा ट्रेवल कर रहा है, लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो फ्यूल पार्टिकल्स होते हैं ये अलग अलग जो लेयर वाले जो जलते हैं ना वो बना रहे हैं नया नया फ्लेम फ्रंट बना रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मेरे को शो कर रहा है यहाँ पे क्या कि फ्लेम फ्रंट जो आपके प्रोपेगेशन ऑफ फ्लेम फ्रंट, प्रोपेगेशन मतलब क्या, मतलब भैया यहाँ से लेके ये मेरा फ्लेम फ्रंट स्पार्क प्लग से लेके अपोजिट एंड तक जाके ट्रेवल कर रहा है। और इसी को जब आप इंजन को टॉप व्यू देखोगे तो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा फ्लेम फ्रंट, सर्कुलर दिखेगा कि नहीं, बिल्कुल दिखने वाला है, ठीक है। तो एंड अनदर फ्लेम फ्रंट फॉर्म्ड एंड इट अपियर्स लाइक दैट ओनली द फर्स्ट फ्लेम फ्रंट रिचेज द न्यू पोजिशन, दिस इमेजिनेशन इज कॉल्ड प्रोपेगेशन ऑफ फ्लेम फ्रंट। मैंने वही समझाया आपको कि हमेशा आपको ये लगेगा कि ये जो नए नए फ्लेम प्रोपेगेशन स्टार्ट मतलब बन रहे हैं फ्लेम फ्रंट, ये आपको लगेगा कि ये फर्स्ट वाला जो है ना यही वाला सेकंड में भी है, थर्ड में भी है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हमको इसलिए ऐसा लग रहा है क्योंकि यार ये मान लो फ्लेम बन गया, ठीक है, ये जैसे ही सामने वालों को हीट दे देगा तो ये फ्लेम मान लो फिर खत्म हो गया, फिर सामने वालों को ज्वाइन करेंगे तो एक नया बन गया, फिर उसके आगे वालों को ज्वाइन करेंगे तो नया बनेगा। तो हमेशा हमको ये लगेगा ना कि मेरा जो फर्स्ट फ्लेम है ना वही ट्रेवल कर रहा है। तो ये जो पूरा इमेजिनेशन एक हम लोग बना रहे हैं अपने दिमाग में, तो इसी को हम लोग बोलते हैं कि आप प्रोपेगेशन ऑफ फ्लेम फ्रंट बोल देते हैं। इसी को जब आप टॉप व्यू देखोगे तो फ्लेम प्रोपेगेशन का टॉप व्यू कैसे दिखेगा को? ये आपको सर्कुलर में दिखने वाला है, ठीक है। तो ये ए बी सी डी वही सब है जो मतलब स्टेज ऑफ कंबशन आपको मैंने वहाँ पे दिखाया था किस तरीके से, मतलब हम लोग जब स्टार्टिंग में जाते हैं तो टीडीसी से पहुँचने से पहले ही स्पार्किंग स्टार्ट हो जाता है। ये स्पार्किंग स्टार्ट इसलिए हो जाता है क्योंकि फ्यूल को अगर पूरा जलना है तो उसको चाहिए टाइम, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि स्पार्किंग कर दिया फ्यूल पूरा जल गया, नहीं होता ऐसा ना, क्योंकि भैया फ्यूल जो होता है स्पार्क प्लग से बहुत दूर में भी होते हैं और फ्यूल तो तब जलेगा जब उसको भैया सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर दे दोगे, मतलब उसको कहीं से उतना हीट मिल जाए, तो भैया ये धीरे धीरे हीट का ट्रांसफर होता है, इसलिए हम लोग टीडीसी से पहले फ्यूल को जला देते हैं, ठीक है। और जब एक्सपेंशन प्रोसेस होता है तो टीडीसी के बाद भी थोड़ा सा मेरा स्पार्किंग और इग्निशन होने लगता है, जो हम लोग अभी पी थीटा डायग्राम में देखा था, ठीक है। और ये इस तरीके से अगर मान लो इस तरीके से इस व्यू से आप देखना चाहोगे तो ये आपको कुछ हेमी स्फेरिकल ऑफ फ्लेम फ्रंट दिखने वाला है, ठीक है। तो ये आज हम लोगों ने क्या समझा कि जो आपका ऐसा इंजन जो होता है उसमें आपका जो फ्यूल का कंबशन होता है वो किस तरीके से होता है। फिर हम लोगों ने ये समझा ना कि जो फ्यूल मेरा जलता है वो अचानक से पूरा नहीं जल जाता है, ऐसा नहीं कि भैया कि मतलब कंप्रेशन प्रोसेस में टीडीसी तक पिस्टन जैसे ही पहुंचेगा वैसे फ्यूल जलेगा, नहीं। क्या होगा जब कंप्रेशन हम लोग फ्यूल का करेंगे तो टीडीसी से पहुंचने से पहले ही कंप्रेशन का मतलब जो आपके स्पार्किंग है वो स्टार्ट हो जाएगा ताकि सामने वाले फ्यूल पार्टिकल्स जले, उसके बाद फिर भैया दूर वाले जले, क्योंकि फ्यूल पार्टिकल्स को जलने में लगता है टाइम, क्योंकि उनको वो एक हीट टेम्परेचर देना पड़ता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर बोल रहे हैं, ठीक है। और फिर जब मान लो आपका कंप्रेशन स्ट्रोक खत्म हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे सपोज करो आपका कंप्रेशन स्ट्रोक खत्म हो गया, लेकिन जब टीडीसी से बीडीसी की ओर मेरा पिस्टन आएगा तब भी वहाँ पर देखो मेरा स्पार्किंग और इग्निशन जल रहा है, क्योंकि उस टाइम पर भी मेरा फ्यूल पूरा मतलब जल कर खत्म नहीं हो जाता है, इसीलिए भैया ये सारे प्रोसेस अभी भी चल रहा है, ठीक है। तो ये मेरा हो गया आपका मतलब एक्चुअल में जो रियलिटी में पी थीटा का डायग्राम कैसे कैसे होता है वो शो कर रहा है। और फिर मैंने आपको जो यहाँ पे ऊपर में समझाया था ये क्या समझाया, थियोरेटिकल पी थीटा डायग्राम समझाया था, ठीक है।
और ये मैंने आपको यहाँ पर ये समझाया कि भैया देखो इस तरीके से आपका इंजन के अंदर क्या आएगा, आपका फ्यूल आएगा, ठीक है। और स्टार्टिंग में जब वो आएगा तो ब्लैक रहेगा क्योंकि हाइड्रोकार्बन है और उसकी डेंसिटी ज़्यादा रहेगी, तो इसलिए वो बीच में रहेगा। एयर आपका लाइट है इसलिए वो चारों साइड में रहेगा, ठीक है। और जब कंप्रेशन करोगे तो भैया रेड कलर का बन जाएगा, उसकी टेम्परेचर लाल हो जाएगी, फिर यहाँ से स्पार्किंग होगा। और स्पार्किंग होने के बाद जो स्पार्किंग आपने कर दिया, मैंने क्या बोला, कंप्रेशन जब करोगे तो स्पार्किंग कर दिया, उसके बाद फ्यूल जो जलने में कुछ टाइम लेता है, मतलब यहाँ पर आपने स्पार्क कर दिया, फ्यूल यहाँ पर जल रहा है, तो बीच में जो फ्यूल कर रहा हो क्या कर रहा है, केमिकल एक्शन हो रहा है, मतलब केमिकली प्रिपेयर कर रहा है अपने आप को, क्योंकि हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन सबका एक रिएक्शन बनेगा, एक ठीक है एक रिएक्शन बनने वाला है। तो वो भैया केमिकल एक्शन जो टाइम लगा रहा है उसी को हम लोगों ने क्या कर बोल दिया था, फर्स्ट स्टेज ऑफ कंबशन या तो केमिकल डिले बोल दिया था, ठीक है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मेरे को व्हाट्सअप पे पर्सनली पूछ सकते हो, ठीक है। मैंने यहाँ पे आपको सारा आपके जो बुक्स वगैरह हैं उतना डिटेल में नहीं मिलेगा, लेकिन मैंने यहाँ पे कोशिश किया हूँ कि आपको डिटेल में सब कुछ समझ में आ जाए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।